हाँ बोलो, तुम क्या कहना चाहते हो? तुम और तुम्हारी माँ ठीक से बात क्यों नहीं करते? समझ में नहीं आता बीच में माणिकराज की क्या जरूरत है। हम पिछले 5 सालों से बिल्कुल इसी तरह बात कर रहे हैं। इस गांव में सभी मेरी माँ की इज्जत करते हैं। वो जो भी कहती हैं यहाँ के लोगों के लिए हुक्म बन जाता है। उन्होंने जिंदगी में कभी हारना नहीं सीखा। एक लौती बेटी होने की वजह से मैं भी अपनी माँ की ही तरह थी। हम दोनों को देखकर लोग कहा करते थे कि ये दोनों तो बहनें जैसी लगती हैं। एक दिन एक छोटे से झगड़े की वजह से हम दोनों के रिश्ते के बीच अचानक एक दरार आ गई। मुझे इन सब चीजों के लिए फोर्स मत कीजिए। क्या तुम अपनी मर्जी चलाओगी? मैं नहीं मानने वाली। अनु बेटा, देखिए ना, मैं आर्ट चैंपियनशिप में फर्स्ट आई हूँ। कब तक इससे बात नहीं करोगे? जब ये डॉक्टर बनेगी। ओ, तो आप अच्छे। गुड जॉब अनु, एक्सीलेंट। बॉस, रास्ते का कांटा साफ हो गया। और नहीं तो क्या, तुम तो उनसे पिछले 5 सालों से कोई बात नहीं कर रही हो, तो तुम दोनों की शादी से उन्हें कोई फर्क पड़ेगा तो भी वो कुछ नहीं बोलेंगी। बेवजह का टेंशन लेने से अच्छा है बीजा ने टेंशन में डाल दो। 30 साल बाद भी मुड़ के देखोगी तो यही म्यूट टेलीविजन दिखेगा। इसलिए चिंता छोड़ो और सुख से जियो। एक दिन खुद ही मस्का मारने आ जाएंगी, तब तुम भाव खा लेना। बुढ़िया ही तो है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उन्हें बुढ़िया कहने की? वो चाहे जैसी भी है मेरी माँ है और मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। उनकी बुराई नहीं सह सकती। चैतन्य, मुझे मेरी माँ वापस चाहिए। अब उनकी खामोशी मुझसे और नहीं सही जाती। मैं उनसे बात करना चाहती हूँ। मैं समझता हूं अनु, इसकी बातों का बिल्कुल बुरा मत मानो। आज मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं तुम्हें और तुम्हारी मां को जरूर मिलाऊंगा, और जब तक वो तुमसे बात नहीं करेंगी मैं उन्हें हमारे बारे में भी नहीं बताऊंगा। जब तक ऐसा नहीं होता शादी नहीं करेंगे। ओके? नमस्ते। नमस्ते। मैडम, आपके बारे में न्यूज़पेपर में कुछ प्रिंट है। माणिकराज? हाँ। आज मेरे कुछ दोस्त आने वाले हैं, फार्म हाउस तैयार कर लो, वो कुछ दिनों तक यही रहेंगे। माणिकराज, उन्हें बुलाने से पहले मेरी परमिशन क्यों नहीं ली गई? हाँ वही तो, क्यों नहीं ली गई? अपने ही घर में अपने दोस्तों को बुलाने की परमिशन लेनी पड़ेगी। अरे नहीं नहीं मैडम, ये तो आपका ही कासल है और आप यहाँ की प्रिंसेस है। मेरे दोस्त डॉक्टर्स है, मेरी तरह आर्टिस्ट नहीं। पर आपको तो डॉक्टर्स पसंद है ना? डॉक्टर लाइक है पर उसके पास जाना अनलाइक है। अब इसने बुला ही लिया है तो आ जाने दीजिए, कुछ ही दिनों में आपसे डर के चले जाएंगे, देख लीजिए। डॉक्टर साहब, उनकी इस मीटिंग के बाद तुम्हारी इस मीटिंग का नंबर है। आजकल के गांव काफी एडवांस हो गए हैं। पहले के लोग खेत में लोटा लेकर जाया करते थे, आजकल तो बिजनेस मीटिंग खेत में होने लग गई है। अरे लोटे से याद आया, बचपन में मैं भी लोटा लेके जाने का इसी जैसा फीलिंग आता था। अभी सबका पर्सनल शौचालय है। हमारे सामने ये सब बात कर रहे हो, भूल गए हम डॉक्टर्स हैं। और मारा पासे बाबा झोलरदास ने पेन पंच है। नहीं, ये वही बाबा तो नहीं जो हिलते हिलते हिमालय गए। एग्जैक्टली। इस चमत्कारी पेन से मेरी बीमारी गायब करो ना। लो, एक काम करना, खाली टाइम में मिलना, बीमारी के साथ तुम भी गायब। तुम्हारे मुंह में कीड़े पड़े। क्यों रे, तूने मुझसे बिना पूछे ही अपनी शादी कर ली? यहाँ तक कि ये सब अपनी माँ से भी छुपाया। पहले तो तू अपनी माँ की बेइज्जती किया करता था, अब तू शराब पीकर बंद कमरे में अपनी बीवी को मारता भी है। तुझे क्या लगा वो औरत है तो तू उस पर अपनी मनमानी करेगा, वो भी मेरे गांव में रहकर? एटलो नल्लो केस के लिए एटलो मोटो तामझाम। मैडम साहब, परिवार हमारा, लोग भी हमारे हैं, वो हमारी माँ है, जैसा बात करना चाहे वैसा करेंगे, चाहे जोरू को मारें या माँ से बेइज्जती करें। पर आपने हमारे घर की बात को यहाँ पर तमाशा बनाकर रख दिया है, और जो बखेड़ा खड़ा करने में मदद की है उनका तो जुलूस हम निकालेंगे। और आप समझ लें, ये नौटंकी करके अगर आपको लग रहा है कि हम डर जाएंगे तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। देखिए ना अम्मा, आपके सामने धमकी दे रहा है, आपके जाते ही पता नहीं क्या करेगा, आप इसे समझाइए ना। औरत पे अत्याचार। एक तो
मेरी इजाजत के बगैर तूने शादी कर ली, अब मुझे धमकी भी दे रहा है। अब मैं तुझे इस गुनाह की वो सजा दूंगी कि तू कुछ करने के लायक नहीं बचेगा। नरसिम्हा, इसके कंधे पे ढेर सारी लकड़ी बांधो और पूरे गांव के खेत में से हल चलवाओ, और तब तक चलवाओ जब तक इसका घमंड मिट्टी में ना मिल जाए। यही है इसकी सजा। मानिकराज, मारी पेन उठा भी दो। क्या हुआ, ट्रेलर देखकर एयर निकल गई? और भी बहुत कुछ निकलेगा, पहले पेन दे दो। पकड़, टेक ले। यही आ रही है, पतली गली से निकल चलते हैं, अच्छा रहेगा। भूल गया हम यहाँ क्यों आए, तुझे जाना है तो जा। तुम्हारा टाइम आ गया। अरे चलो चलो, पहली बार में सबको डर लगता है। बिग मैडम स्मॉल मैडम के फ्रेंड लोग हैं। हेलो मैम। तुम लोग यहाँ किस प्रोजेक्ट के लिए आए हो? शादी करवाने के लिए। इलाज करवाने के लिए। हम गरीब लोगों की सेवा करने के लिए एक हॉस्पिटल खोलना चाहते हैं और उसी का सर्वे करने के लिए आए हैं। एक्चुअली हमें हॉस्पिटल का आइडिया अनु ने ही दिया था। उसने कहा था कि अगर गरीबों की मदद के लिए यहाँ हॉस्पिटल बने तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। क्या ये सच है? अरे आप ही की बेटी है, भले आपसे बात नहीं करती पर आपको बहुत अच्छी तरह समझती है। आपकी तरह नहीं, जिद्दी और अकड़ू दोनों ही खून पीती है। दूसरा दो मिनट चुप रहेगा। शैलजा रेड्डी उन सब का साथ देती है जो लोगों की भलाई सोचते हैं। जब तक आपको अच्छी जगह ना मिल जाए आप यहाँ रह सकते हैं। थैंक यू मैडम। वेनु, इनके रहने का इंतजाम करो। फोन। इंतजाम हो जाएगा, मैंने पहले ही इंतजाम कर दिया है। बाप रे, तुमने मम्मी से बिना बताए इससे प्यार कर लिया और इससे सगाई भी कर ली, फिर शैलजा के होने वाले दामाद को गांव ले आई और उसे फार्म हाउस में भी ठहराया। बेचारी, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। अनु से अपनी गलती की माफी मांगने के लिए मैं यहाँ खुद अपनी सास को मनाने आया था ताकि हमारी शादी हो जाए, पर यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि फिलहाल वो जरूरी नहीं है, पहले इन दोनों को मिलाना चाहिए। बहुत अच्छे दामाद जी। सर, बॉस ने दामाद ना रूप में आपने स्वीकार भी कर लिया? ऑलमोस्ट। थैंक यू सर। नो मेंशन। पर आपके दामाद माने से ठेंगा फर्क नहीं पड़ता है सर। जब तक शैलजा मैडम इन्हें अपना दामाद नहीं मानती तब तक कोई फायदा नहीं। इसका सिर्फ एक ही रास्ता है, अनु को किसी तरह से उनका दिल जीतना होगा। इनके बीच की इस गहरी खाई को मुझे प्यार से खत्म करना होगा, और सबसे जरूरी बात उन्हें याद दिलाना होगा कि अनु को उनसे प्यार है। गुड। अगले दो दिन में एक मनहूस दिन आने वाला है, मेरी वेडिंग एनिवर्सरी, उसी दिन से होगा इस प्लान पर अमल। ऐश्वर्या जी मैडम, ये सब क्या है? हैप्पी 25th वेडिंग एनिवर्सरी मैडम। आप ही ले लीजिए। लो। थैंक्स। तुम्हें कैसे पता? मानिक राज ने बताया। मानिक, हमको तो खुद का बर्थडे भी याद नहीं होगा, वो क्या खाक आपका बर्थडे याद रखेगा? उल्टा वो तो हम ही से पूछ रहा था। मैंने बताया कि आज दुर्गा माता मतलब आपकी हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी है। ओ, तो फिर किसने बताया? और कौन बताएगा, यहाँ एक ही तो है जो आपको सबसे ज्यादा चाहती है और दिन रात बस उसे तुम्हारी ही फिक्र छे। उठते बैठते सोते जागते बस आप ही का नाम जपती रहती है। आपकी बेटी अनु, उसी ने हमें बताया। और उसने क्या कहा? और उसने हमें बताया कि वो आपको जान से भी ज्यादा प्यार करती है, भगवान से भी पहले वो आपका नाम लेती है, तब जाकर वो खाने को हाथ लगाती है। आज उसका सबसे बड़ा त्योहार है, इसीलिए इस दिन को धूमधाम से मनाना चाहती है, वो भी एक नहीं तीन दिनों तक धमाल मस्ती के साथ। और तो और मैडम, सुबह मुर्गे से भी पहले उठकर उसने आपके लिए खाना भी बनाया है। मेरी बेटी सच में इतनी बड़ी हो गई, उसने ये सब मेरे लिए किया? हाँ शैलजा जी, अनु अब पूरी तरह से बदल गई है। वैसे मुझे भी यकीन नहीं हुआ, सोचो इन्हें एनिवर्सरी का कैसे पता चला। मैं तो कहता हूँ आपको उससे एक बार बात करके देख लेना चाहिए। आप भी तो उसे मिस करती है ना शैलजा जी, एक बार अनु से बात कर लीजिए ना। प्लीज मैडम, एक बार उससे बात तो कर लीजिए। अच्छा चलो खाना खाते हैं। चलो चलो चलो। अरे डॉक्टर, मतलब डॉक्टर साहब, आपने बोला था ना खाली टाइम में इलाज करेंगे। हाँ, कहा तो था। बात ये है कि इमोशन का मोशन निकल रहा है, कोई सोल्यूशन बताओ ना, कभी भी ओवरफ्लो हो जाता है। हाँ, तो मैं हूँ ना इलाज करने के लिए। कभी अगले साल इस वक्त बताना तो मुश्किल है। तो जाकर कमोड़ पर विराजमान हो जाइए, फिर पेट हिला के एक मंत्र बोलना है जो आपके सारे इमोशन को सही सोल्यूशन दे देगा। हो गया आपका परमानेंट इलाज। तो इसी बात पर बोलो बाबा झोलरदास की जय हो। क्या बात है, बीमारी सच में ठीक होगी ना डॉक्टर? चलो आपको सवा कमोड़ चढ़ाऊंगा। बिल्कुल। अरे पेन तो दो। हेलो, सारे सारे बाबा झोलरदास। वेनु, हाँ। तुम तो खा चुके हो। अरे कहाँ, आपसे पहले खाने की मेरी हिम्मत। जितना पूछा उतना ही बोलो। ऐश्वर्या जी मैडम, मानिक राज कहाँ है? उन्होंने कहा था उन्हें बाहर कुछ काम है। वो खेत के बोरवेल में लीकेज प्रॉब्लम, इसलिए ठीक कराने गया है। अगर बात करनी है तो मैं मैनेज कर सकता हूँ। उसके लिए मैंने मानिक राज को रखा है। चुपचाप खाना खाओ। बस पेट भर गया।
अरे नाम लिया और शैतान हाजिर, मानिक राज का ही फोन है। मानिक भाई बोलो ने। कमोड पे लैंडिंग हो चुकी है सर, पेट हिला के मंत्र भी बोल दिया। नीचे देखो कुछ तो निकला होगा। नहीं कुछ नहीं निकला, अभी क्या लकड़ी से आसमान में छेद करूं निकालने के लिए? अरे दो तीन घंटा वेट कर लो, बादल जरूर बरसेंगे। और अगर नहीं बरसे तो ट्रैफिक कैसे क्लियर होगा? मानिक राज जी काम करते करते मैडम से बात कीजिए, फोन पास करो। मानिक राज मैम, अब ये दूसरे चार्जर से गलत मोबाइल क्यों चार्ज कर रहे हैं? नमस्ते मैडम। कहाँ हो तुम? वो खेत में बहुत दिन से पानी नहीं आया था ना, तो मैं धार खोलने के लिए आया था। वो बाद में भी किया जा सकता है, फौरन यहाँ आओ। मैडम टाइम पे धार नहीं खोलो तो बाढ़ आ जाएगी, बांध टूट जाएगा तो न जाने कितने लोग मर जाएंगे। उन सब पे रहम खाओ मैडम, कॉन्फ्रेंस पे ही बात कर लो ना। 1-3 मिनट रुके हैं। अनु मानिक राज जी फोन कर रहे हैं, उठाओ। हेलो। बड़ी मैडम आपका टाइम शुरू होता है अब। मानिक राज इतनी सुबह सुबह उठ के इतना सारा खाना बनाने की क्या जरूरत थी? घर के सारे बाबरची मर गए हैं क्या? अरे बापरे, अभी खाने की बात करना जरूरी है क्या? डाइजेशन के बारे में सोचो। मानिक राज आज इनकी वेडिंग एनिवर्सरी है, मैं चाहती थी इनके पसंद का खाना बने। मानिक राज तुम्हें नॉनवेज खाना बनाना तो आता नहीं, फिर ये सब कैसे बनाया? मैडम मैडम प्लीज मैडम, आजकल थू ट्यूब का जमाना है, कोई भी कढ़ाई करछी लेकर कुकर बन जाता है, उस ट्रेजडी का साक्षात एग्जांपल मैं। मानिक राज बकवास बातें बंद करो, मैंने कुछ स्पेशल चीजें बनाई हैं, एक बार टेस्ट कर लो। टेस्ट तो अच्छा है पर मसाला थोड़ा ज्यादा है। निकला निकला मैम, चमत्कार हो गया। पानी पानी किधर है? अरे पॉकेट भी खाली है। क्या मुसीबत है, बाहर आई तो कुआं सूख गया, अब न जाने फिर कब बारिश होगी। ये आराम से ले। अनु उन्हें मिठाई दो, मिठाई दो ना, टेस्ट बदल जाएगा। मानिक राज सब ठीक है ना? निकल रहा था लेकिन अटक गया, अब इस बांध से कोई मरे ना मरे लेकिन मेरा मरना तय है। मानिक राज पानी भी लो, ठीक हो जाएगा। घर में इतने सारे बाबरची हैं, कोई मसाला नहीं चेक कर सकता था? पापा उनकी गलती नहीं है, मैंने ही ज्यादा मसाला डाल दिया, सॉरी। अनु मैडम, उसने आज तक कभी अपने हाथों से खाना नहीं बनाया है, आज पहली बार उसने सिर्फ आप ही के लिए खाना बनाया है। दरअसल वो आपसे बहुत प्यार करती है मैडम, आपको किसी भी तरह की तकलीफ नहीं देना चाहती थी, अगर आप उससे जाकर बात कर लेंगी तो उसे अच्छा लगेगा, प्लीज। वेनु कल हमें मंदिर में गौ माता की पूजा करने के लिए जाना है, तैयारी कर लो।